और जालौन से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। शराब तस्करों पर दबिश देने गए सिपाहियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शराब बेचने की सूचना पर दबिश देने गए थे आरोपी। सिपाहियों को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने पीटा है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो सिपाही वहां पर गए, किस तरह से उनको बंधक बना लिया गया और ये देखिए पिटाई की जा रही है। यहां पर सिपाहियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों सिपाहियों की जमकर पिटाई की जा रही है। तो कालपी कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। यहाँ पर सिपाहियों की शराब तस्कर पर दबिश देने गए सिपाहियों के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। जालौन से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब तस्करों पर दबिश देने गए सिपाहियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। और संवाददाता हमारे नवजीत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवजीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर शराब तस्करों पर दबिश देने के लिए गए थे दो सिपाही, जिनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, शराब माफिया तो मौके से फरार हो गया है और पुलिस टीम पर हमला हुआ है ग्रामीणों द्वारा। शराब बेचने की सूचना पर पुलिस जो है वो दबिश डालने गई थी और चौकी प्रभारी के सामने ही ग्रामीण जो है वो सिपाहियों के साथ मारपीट करते रहे और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जी, जिन ग्रामीणों ने मारपीट की है सिपाहियों के साथ, पुलिस पर हमला किया है, उनकी कुछ पहचान हुई है, कुछ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है क्या? आधा दर्जन ग्रामीणों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उच्च अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की जाँच की बात की जा रही है, लेकिन अभी पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। हालांकि अभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है इस पूरे मामले पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।